अरे गाड़ी लेना भाई जल्दी आगे लो दादा कितना बोलूं उसको दो घंटे का फाइट के लिए तो कोई बुला रहा है थोड़ा आगे बोला जॉनी सर ये बताइए आप किस तरह से याद करना चाहेंगे, बहुत दुख की घड़ी है, हम सब गमगीन है, बॉलीवुड पूरा उदास है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या यादें हैं? मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग अभी चार दिन पहले साथ में थे, प्रमोशन कर रहे थे, वेब सीरीज हमारी रिलीज हो रही है 17 मार्च को, तो शूटिंग भी कर रहे थे अभी अभी, तो हम लोग कुछ महीने पहले दो एक दो महीने पहले हम लोग जयपुर में थे साथ में, और फिर मैं 85 से जानता हूँ सतीश जी को, बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन राइटर और बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी, हमने एक अच्छा दोस्त एक भाई खोया है हमने, अचानक ये जो होना है ये बहुत तकलीफदायक बात है हम सबके लिए, हम आर्टिस्टों के लिए। और क्या कह सकता हूँ, बस यही सर, आपकी तरह ही बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने बहुत अपनी बड़ी पहचान बनाई, बहुत बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन थे, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, उनके और मेरी बहुत सारे क्लिप्स आते हैं यूट्यूब में देखते होंगे आप, और बेहतरीन टाइमिंग थी उनका, अपना एक स्टाइल था, अपना अंदाज था, और बहुत ही ऊँचे कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे। बहुत बड़ा लॉस हुआ, अभी तो 5-6 पिक्चरें बना रहे थे वो, एक बाकायदे कंपनी के साथ काम लगे हुए थे वो, तो काफ़ी बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। जी हम लोग, हमारी एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है 17 मार्च को, पॉपकॉर्न, उसकी प्रमोशन कर रहे थे हम लोग, शूटिंग भी कर रहे थे, तो अभी ऐसा लगता है कि कल की बात है, और ये थैंक यू जी, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, थैंक यू वेरी मच। सर आधे घंटे में हो सकती है लाइन, आधे घंटे कल ही नहीं बोला है। हाँ हाँ
दोनों भाई कौन दोनों भाई।